गोरखनाथ मंदिर व श्री राम कथा प्रेम यज्ञ समिति के तत्वाधान में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में आयोजित 9 दिवसीय रामकथा के 5वें दिन चंपा देवी पार्क में उपस्थित 50,000 के करीब श्रोताओं की उपस्थितियों में कथा की शुरुआत शंखनाद व हनुमान चालीसा के बाद रामधुन के साथ हुई। मुरारी बापू ने नवनाथ के नाथ धारा को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरु गोरखनाथ की जो वाणी है, वचन है, वो इस काल में भी बहुत प्रासंगिक है। यद्यपि योग बहुत पुराना है, परंतु जब किसी गुड़ बात का ऐतिहासिक प्रमाण न मिले तो बुद्ध पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति को ही प्रमाण माना गया है। साधु का भजन ही सबसे बड़ा प्रमाण माना गया है। मुरारी बापू ने मुखारविंद से रामकथा सुनने देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मुरारी बापू द्वारा मानस जोगी पाठ पर किए जा रहे रामकथा का रसपान करने आसपास के जिलों सहित देश विदेश के श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। मुरारी बापू रामकथा के दौरान मानस जोगी पाठ पर चर्चा करते हुए बताया कि भक्ति मार्ग प्रेम से पाया जा सकता है। इस दौरान नाथ परंपरा के आरंभ की कथा सुनाई, रामकथा के श्रद्धालुओं ने पूरी तल्लीनता से सुनी। लीला करनी पड़ेगी, गोरा बाकी है छह महीने और रुक जाओ, फिर मैं गुरु को मुक्त कर दूंगा। गुरु चला योजना बनाता साधु इकट्ठे होना, तो कोई दूसरी योजना नहीं बना, तो मुक्ति की योजना बना, संपत्ति की योजना। मुक्त कैसे हुआ जाए, तो योजना बनी साहब स्नान नहीं किया है, शरीर उनका मैला हो गया है, उसको बाहर जाकर के बिल्कुल साफ करके उसको स्वच्छ कर के गीला बन जा रहा है। अगल अगम बात अगम और धोरी कपड़ा धोए मीन नाथ ना धोए तुमने नाथ को ला करके राव भवन की डोरी पर उसको सुखा दिया जैसे वस्त्र को मैं आपसे किसी भी प्रसंग और किसी भी
अशीक अनुभूत अभ्यास किए बिना न्याय मत देना, प्रमाण पत्र मत देना। उत्तरकांड का एक प्रसंग है, मैं आपको याद दिला दूं, भगवान राम भाग में गए और धरती चुप है। जब हनुमान जी को भगवान पूछते हैं कि हनुमान ये व्रत क्या चुप क्यों है, बोले नाथ भरत कुछ पूछना चाहिए, भरती आपको कुछ पूछना चाहते हैं, बोल नहीं पाए। तो भगवान ने कहा भरत वो क्या कहें। फिर भगवान के सामने भरती संत और असंत के लक्षण पूरा जब प्रकरण किया ना, संत असंत के लक्षणों का भगवान राम जी ने फिर एक चौपाया दिया। संत असंतन के गुण भाग है, तेन पर ही भव जिन लखीरा है। इस समाज को लक्षिक समझने लिए संत के लक्षण भी समझना पड़ेगा और असंत के लक्षण भी जाओ। एक क्रांति है तुलसी। कभी कभी हम कहेंगे हमने संत नहीं, समाज में बुराई कौन कर रहा है, समाज में असंत कहाँ कहाँ पनपता है इसको भी। और ये दोनों को जो जाने गा गुरु कृपा से तेन पर ही भव, ये कोई कभी संसार कूप में नहीं पड़ेगा। तेन पर ही भव जिन लखी, जिन्होंने दोनों को पहचान। सुनो भरत माया कृत, पाठ सुनिए, सुनो भरत माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। संतन के गुण मैं ना परीक्षा कर पाए बल्कि जिन लखी आगे गोरख पीछे मत, कैसा मंजर ये नाप नाप समय का मजे, ये देश का क्या परम समय है। मेले में जाता है ना शुरुआत में बच्चा, तो बाप आगे रहता है, बच्चा उसके पीछे पीछे उसका कपड़ा पकड़। लेकिन जब बाप बूढ़ा हो जाता है ना, तब बच्चा आगे चलता है बूढ़ा। जब परिपक्वता आती है तब आश्रित आगे हो जाते बाप। क्या है तुम, क्या मानो क्या चाहो, जाओ रे जोगी जाओ रे, ये है प्रेम योगी नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। ये पंक्ति बड़ी प्यारी है, कौन सी पिक्चर है, चित्रलेखा, 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 चित्रलेखा प्रदीप, चित्रलेखा। ये एक टुकड़ा, ये भोग भी एक तपस्या, दुनिया में जिसको कोई न डिगा सके, ये आदमी 12 साल तक ऐसी लीला करे कैसे रहे, ये भोग भी एक तपस्या। तुम जान के मारो क्या जाना, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकरा हो जाओ रे जोगी, समझ कर यह प्रेम योगी नगरी, यह प्रेम मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत ये मिश्रा नहीं है, वजीफा है मेरा कुमार पारा पंथी, ये मिश्रा नहीं है तुकबंदी में, वजीफा है मेरा खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। बेटा इसलिए लीला मैं माँ बाप से पैदा होता ना, तू भी अयोनी है, फिर मैं वो दोहरा करके इस बात से आगे बढ़ूं कि माता पिता के विषय सुख के कारण पैदा होता है वो विषय लंपट हो सकता है, जिसका जन्म अयोनी है उसका बेटा स्खलन नहीं हो सकता। लेकिन
ये करना जरूरी है। बाकी तत्व जोगी वो है जो अज है, अनवद्य है, अकाम है।